गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपका अच्छा से दशहरा मना होगा और बहुत खुशहाली लाएंगे माँ भगवती आपके जिंदगी में। चलिए आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले। नया टॉपिक का नाम क्या है? टाइम एंड वर्क। और इससे पहले हम आपको बता चुके हैं परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस सारा का सारा हम कंप्लीट कर दिए हैं और इसी तरह से धीरे धीरे करके हमने सारा का सारा क्वेश्चन सारा का सारा टॉपिक आपको कंप्लीट करवा देंगे बिफोर द एग्जाम। और वो एग्जाम होगा बिहार एसएससी के लिए, अभी हम तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद हमारा जो प्लानिंग होगा फिर उसके बाद आपको हम एक वीडियो में बताएंगे क्या हम करने वाले हैं नया। कुछ कुछ तो जरूर नया हम करने वाले हैं। और देखिए आज हम बताएंगे टाइम एंड वर्क के बारे में। टाइम एंड वर्क से पहले आपको हम कुछ बता देते हैं किस तरह से उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहीं से। अब देखिए सबसे पहले हम उसमें आपको कुछ बेसिक नॉलेज देते हैं टाइम एंड वर्क के बारे में। टाइम एंड वर्क को कैसे हम बना सकते हैं? देखिए होता क्या है, टाइम एंड वर्क बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको एकाग्रता से क्या करना है, एक कॉपी ले लेना है, पेन लेना है, कॉपी पेन लेके बैठ जाना है और देखते रहना है कैसे कैसे क्या करना है, उसके बाद अपने नोट पे छापना है। देखिए दो बंदा है ए और बी। कौन सा है? ए और बी बंदा है, कह रहा है कि कोई काम है, मान लीजिए यहाँ पर कोई स्टार्ट काम है। ये कह रहा है कि ए कह रहा है इस काम को हम कितना दिन में कर देंगे? ये कह रहा है हम 10 दिन में कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे। और बी कह रहा है इसी काम को, स्टार्ट जो ये काम है ये कह रहा है बी उसी काम को हम इसको 20 दिन में कर देंगे। और एक थर्ड बंदा है सी, ये कह रहा है भाई हम तो समझ गए तुम अकेला अकेला ये काम करोगे, तो एक तुम 10 दिन में कर दोगे और तुम 20 दिन में कर दोगे। और ये बंदा इसको क्या कर रहा है, तुम हमको बताओ कि तुम दोनों यदि मिल जाओगे तो इस काम को कितना दिन में कर दोगे। ये बंदा दोनों मिल के कर रहा है तुम एक बात सुन लो सही, क्या कर रहा है यदि हम और ए और बी मिल जाएंगे ना, हम और बी मिल जाएंगे ना, इस काम को जितना दिन में पहले कम कर रहे थे ना उससे कुछ कम समय में हम करके तुमको दिखा देंगे। ये कह रहा है, कौन कह रहा है? यहाँ लिख देते हैं, डिलीट हो गया था। ये दोनों मिलके कर रहे हैं जितना ही दिन में हम कर रहे थे कोई भी काम, जितना दिन में कर रहे थे अगर हम दोनों आदमी मिल जाएंगे तो उससे कम समय में तुमको काम करके दिखा देंगे। तो सी भी तो है जिद्दी, कहा चलो ठीक है तुम दिखाओ भाई कैसे कर सकते हो कम दिनों में। तो ए और बी कहा करके दिखा देंगे, पहले हमको लेना पड़ेगा इस दोनों का एलसीएम। तो सी कहा ठीक है ले लो हमको कोई दिक्कत नहीं है, कहा ले लो। तो ए कह रहा है यदि हम किसी इस काम को 10 दिन में कर रहे थे तो और एक दिन में उस काम को हमको दो काम करना पड़ेगा, एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा, दो काम करना पड़ेगा। अब बी कह रहा है यदि स्टार वाले काम को हम कर रहे थे कितना दिन में, 20 दिन में, तो एक दिन में हमको सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा। किसके अकॉर्डिंग? दोनों का हम जब एलसीएम ले लिए तो उसके अकॉर्डिंग 10-20 का एलसीएम ले लिए। अब दोस्त अब आप यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं ना ये वाली पोर्शन दो एक जो लर्निंग देख रहे हैं ये आपको इफिशियंसी है। क्या है इफिशियंसी? इफिशियंसी क्या होता है? इफिशियंसी वो होता है जैसे आप किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं तो आपको बोलेंगे उसी का दुगुना काम कितने दिन में करेंगे, तो 10 दिन में करेंगे। तो ये जो बीच में एक गैप आ रहा है 5 या 10 का इफिशियंसी के कारण आ रहा है, क्योंकि आपको ज्यादा इफिशियंसी लगाना पड़ेगा ज्यादा काम करने के लिए और कम काम करने के लिए कम इफिशियंसी लगाना पड़ेगा, तो उसी को हम इफिशियंसी कहते हैं। वैसे शॉर्ट भाषा में इसको डिफिशन कहते हैं, 1 डे काम एक दिन में एक यूनिट के द्वारा क्या काम को हम इफिशियंसी कहते हैं, ऐसे भी याद करते हैं। लेकिन याद करने की आपको जरूरत नहीं, सिर्फ जैसे जैसे बता रहे हैं ना वैसे वैसे आप सीखिए और क्वेश्चन ऐसे ही उड़ जाएगा। तो का ए और बी, ए और बी, ए का एफिशिएंसी कितना होगा, 2 होगा, बी की एफिशिएंसी कितना, ये 1 होगा। यदि दोनों का एक दिन का एफिशिएंसी मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक दिन का एफिशिएंसी कितना, 3 हो जाएगा। तो कह रहा है ए और बी मिला, इसका 2 है इसका 1 है, तो दोनों की एफिशिएंसी मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 हो जाएगा, एक दिन में 3 काम कर रहा है, टोटल काम हमें कितना कराना है, 20 काम करना है। तो 20 को 3 से भाग कर देंगे तो ये नंबर ऑफ टोटल डेज हमारा निकल के आ गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में कर देगा, 20/3 दिन में कर देगा। समझे बात? अगर नहीं समझे तो फिर समझाएंगे अगला पेज लेके। अब हम आपको दिखाते हैं ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है,
बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है और सी थर्ड बंदा है उस काम को 30 दिन में कर रहा है। अब इसको हम जब तीनों के एलसीएम लेते हैं, तीनों के एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए तीनों के एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 30। अब यहाँ पर जो हम लिखने वाले हैं, अब 20 सॉरी इसको 60 ले लेते हैं, एलसीएम इसका 60 आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब ये जो एलसीएम हम लेते हैं उसको हम टोटल वर्क बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, टोटल वर्क बोल देते हैं। और उसके बाद और 20 में जो भाग देंगे ना इसको, तो यहां से हमें निकल के आएगा 20 + 60, ठीक उसी तरीका से 15 से जब 60 में भाग देंगे तो निकल के आएगा 4, और 30 से 60 में भाग देंगे निकल के आएगा 2। और ये 3 4 आप 2 देख रहे हैं ना इस सामने वाला, इसी को हम इफिशियंसी कहते हैं। इफिशियंसी एक दिन में किया गया कार्य को हम इफिशियंसी कहते हैं। तो एक दिन में हम काम कर रहे हैं 3 B, फिर 4 C, 2 काम कर रहे हैं, इसको हम इफिशियंसी कहते हैं। और इफिशियंसी हम इसलिए निकालते हैं कि टोटल वर्क में जब इफिशियंसी से भाग दे देंगे तो नंबर ऑफ डेज हमारा आ जाता है। तो यहां से देखिए, अब हम बोलेंगे आप बताइए आप A+B+C मिलकर उसी काम को कितना दिन में करेगा, तो हमको पता नहीं है, लेकिन इतना तो आपको पता है कि टोटल वर्क हमारे पास कितना है 60 है, और टोटल इफिशियंसी एक दिन का कितना हो जाएगा 3, ए का 3 है, बी का कितना है 4 है, सी का 2 है, तो 4 × 3 = 7 × 2 = 9 हो जाएगा। तो 9 से आप इसको भाग दे दीजिए, वही नंबर ऑफ टोटल डेज आ गया, A+B+C तीनों मिलके 20/3 दिन में काम कर लेगा, और यही इसका उत्तर हो जाएगा। समझे बात कि नहीं समझे? अब शायद हमको लग रहा है आप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो टाइम एंड वर्क में थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट का बेस आधारित जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, और जो भी आएगा अच्छा अच्छा क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते जाएगा, उसका कंसेप्ट हम आपको समझाते जाएंगे, कहीं भी दिक्कत आपको रत्ती भर नहीं आना है। चलिए हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन लेकर। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 20 दिनों एवं 10 दिनों में करते हैं, तो साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो आपको हम बताएं लिखना आपको क्या है, ए कितना दिन में कर रहा है 20 दिन में कर रहा है, बी कितना दिन में काम कर रहा है 10 दिन में कर रहा है। तो दोनों को हमको लेना क्या है, इफिशियंसी ले लेंगे, सॉरी एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, एलसीएम लेके 20 ही आ जाएगा, 10 20 का एलसीएम लेंगे तो 20 ही आ जाएगा। तो यहाँ इस कोष्ट में लेना है 20 को, फिर इसमें भाग देना होता है 20 को, फिर इसमें भाग देंगे तो यहाँ से एक निकल के आएगा, जैसे 20/20 करेंगे तो यहाँ से निकल के कट के कितना आएंगे एक। तो ये एक जो है एक का इफिशियंसी है एक दिन का काम करने का, यहाँ इफिशियंसी लिख देते हैं। और फिर 10 को 20 में भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, इसी तरह से 2 इफिशियंसी आएगा। अब पूछ रहा है दोनों साथ मिलकर, देखिए जब भी आप इक्वेशन बनाएंगे तो सिर्फ इफिशियंसी को ऐड करेंगे और उसका नंबर ऑफ डेज को आप ऐड नहीं कर सकते हैं, तो गलत हो जाएगा। आप बोलेंगे A+B मिलकर कितना दिन में करें, अब बोल देंगे 30 दिन में, तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसको आप एलसीएम लेके इफिशियंसी निकालना पड़ता है, तब जाके आपका होता है। तो यहाँ ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, एक दिन का काम कितना है दोनों का, एक 2 + 1 = 3 है, तो नंबर ऑफ टोटल वर्क कितना है 20 है, 20 को फिर 3 से भाग दे देंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा। ए और बी मिलके 6 / 2/3 दिन में काम कर लेगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और सेकंड नंबर क्वेश्चन आप जब देखेंगे तो बहुत ही मजा आएगा, मजा इसलिए आपसे बन जाएगा। देखिए ए और ए बी सी तीनों तीन आदमी है, किसी काम को क्रमशः 10 दिन में 15 दिन में 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तीनों साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको बता दिए हैं सेम बेस पे, फिर भी आपको सिखाएंगे ए कितना दिन में कर रहा है 10 दिन में, बी कितना दिन में कर रहा है 15 दिन में, और सी कितना दिन में कर रहा है 20 दिन में। हमने आपको क्या बताया है, जब भी पूछिए जब भी नंबर ऑफ डेज निकालने का किसी भी का पूछे तो सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे, जो भी नंबर ऑफ डेज गिवेन होगा उसका आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल लेंगे, जो भी एलसीएम आता है उसी को हम टोटल वर्क कहते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो 10 15 20 को आप एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60, और यही आपका टोटल वर्क हो जाएगा।
टोटल वर्क क्या होगा, यही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब जब टोटल वर्क में नंबर ऑफ डेज से भाग करते हैं तो यहाँ से इफिशियंसी 6 आ जाएगा, यहाँ से 1560 में भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 20 को 60 में भाग करते 3 आ जाएगा। क्या आ गया, ये इफिशियंसी आ गया। अब बच्चों हम बोलेंगे टोटल इफिशियंसी ए बी सी का कितना है, तो 6 4 10 3 13 है, कितना है 13 है। टोटल इफिशियंसी ए प्लस बी प्लस सी का कितना है, अब बोलेंगे 13 है। जब इफिशियंसी को टोटल नंबर ऑफ वर्क में, टोटल वर्क में आप भाग करेंगे तो नंबर ऑफ डेज आ जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो ये हमारा क्या होगा, टोटल इफिशियंसी 13 है, जब इसको 13 का भाग देंगे तो ये हमारा नंबर ऑफ डेज आके निकल के आ जाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, इसको पूर्णांक में तोड़ लीजिए। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 चौके 52 13 8/13, यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलिए आप, और इसी तरीका से आप पढ़ते रहिए, और पेन कॉपी जब तक आप अपने खुद से नहीं चलाएंगे ना हाथ, तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ज्ञान फ्री में नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ आपको मेहनत करना पड़ेगा। कुछ भी चीज इस धरती पे आपको फ्री में नहीं मिलने वाला है जब तक आप अपना थोड़ा हाथ पैर नहीं चलाएंगे, चाहे दिमाग नहीं चलाएंगे तब तक। चलिए हम ये क्वेश्चन अब लेते हैं, ए तथा बी किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि ए अकेला उसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो बी को काम करने में कितना दिन लगेगा। देखिए यहाँ पर यह दिया गया है कि ए और बी, यहाँ पर पहले ही दोनों को मिला दिया, ए बी दोनों मिलकर करके 10 दिन में करता है, और जबकि ए अकेला उसी काम को 15 दिन में कर देता है, तो बी कितना दिन में काम करेगा उस काम को, बी कितना दिन में करेगा। तो हमने आपको क्या कहा, सबसे पहले आपको लेना है जो भी नंबर ऑफ डेज, उसको एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 30 होगा, और यही हमारा कितना होता है टोटल वर्क, इसको हम मान लेते हैं एलसीएम जो आता है, और इफिशियंसी आ जाएगा 10 या 30, इसको भाग करेंगे 15 ना 30। अब देखिए ए और बी को दोनों का मिला के इफिशियंसी कितना है, 3 है, और ए अकेला इफिशियंसी कितना है, 2 है। इसका मतलब अकेला 2 काम कर रहा है एक दिन में, तो बी कितना करता है, क्या 1 काम करता है, 1 इसलिए करता होगा कि दोनों के जोड़ की इफिशियंसी तो हमारा 3 था, दोनों के जोड़ की ही तो 3 था, तो ए अकेला 2 काम कर रहा है एक दिन में, तो बचा के बचे कौन करेगा, ए बी ही ना करेगा बचा काम, तो बी एक दिन में 1 काम कर लिया। तो हमारा कहने का मतलब यहाँ पर यह था कि बी का एफिशिएंसी हमको निकल के आ गया 1, और टोटल नंबर ऑफ वर्क कितना है 30 दिन है, जब 30 को 1 से एफिशिएंसी से भाग देंगे तो नंबर ऑफ डेज आएगा, तो नंबर ऑफ डेज इसका 1 से भाग देंगे तो इतना ही रहेगा, तो यहाँ पर आंसर इसका फिर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझे बात, देखिए टाइम एंड वर्क चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, इसलिए आपको इसको ध्यान से पढ़ना होगा। ए किसी काम को 1/3 भाग को 6 दिन में तथा बी उसी काम को 2/5 भाग को 6 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर 3/5 भाग काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए जब भी 1/3 भाग तक आ जाए तो इससे आपको घबराना नहीं, घबराना इसलिए नहीं है कि आपको हम जब बताएंगे बात तो जैसे कहेगा 1/3 भाग को कितना 6 दिन में करता है, तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, ठीक, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो एक काम को 1/3 के बदले 18 दिन में काम करेगा टोटल वो काम को। उसी तरह से बी जो है, बी का बी कितना है 2/5 भाग को 6 दिन में कर रहा है, तो हमने आपको कहा सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इसका ये हो जाएगा 1 = 6 × 5/2, ये आपको कितना हो जाएगा 2 से कटाएंगे 3, 15 दिन में हो जाएगा, कितना दिन 15 दिन में। अब इसका कहने का मतलब पूरा काम भी कितना दिन में करता है 15 दिन में कर देगा, ए पूरा काम कितना दिन में कर देगा 18 दिन में काम कर देगा, ये तो आपको हम बता दिए बेसिक से, लेकिन आपको इतना भी नहीं करना है, पेन इतना नहीं चलाना है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग चला देंगे तो ये सब आपको निकल के आ जाएगा। कैसे, अब जब यहाँ पर आएंगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ देखिए 1/3 भागे हम बोले आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहीं से आपको 6 × 3 = 18 दिमाग में करना है, तो ए कितना दिन में आ गया, एक काम को उसी एक काम को कितना दिन में कर रहा है 18 दिन में कर रहा है, फिर यहीं से आप दिमाग में कटाइए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये और ये कट जाएगा 2 × 3 = 6, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा। बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है,
दिन में कर रहे हैं, तो अब आगे कह रहा है तो दोनों मिलकर 3/3 भाग काम को कितने दिन में करेगा, मतलब जो भी तुम आपको निकलेगा टोटल वर्क उसका 3/5 भाग ए और बी मिलकर कितना दिन में कर देगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो 90 के अकॉर्डिंग ए का एफिशिएंसी कितना 5, बी के एफिशिएंसी कितना 6, आएगा कि नहीं आएगा। अब कह रहा है जो भी टोटल वर्क तुम्हारे पास है, टोटल वर्क हमारे पास कितना है 90, इसका हमें बताओ 3/5, टोटल वर्क का 3/5 ए और बी मिलके कितना दिन में काम करेगा। तो ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करता है, 11 काम करता है। तो 11 से आपको भाग कर देना है, फिर काटेंगे 18 × 5 = 90, मतलब 54/11 आ गया, कितना आ गया 54/11 कितना आ गया 11 आ गया। और ऑप्शन नंबर कौन सा है, 11 × 44, 10/11 आ गया, यही आपका तो उत्तर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आगे वाले क्वेश्चन है, किसी खेत को 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है, तो उसी खेत को 1/3 भाग को बी 10 दिन में जोत सकता है, ए और बी दोनों मिलकर उस खेत को 4/5 भाग को कितने समय में जोत सकेंगे। देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, कोई भी चेंजिंग नहीं है, सिर्फ और डाटा को आगे पीछे कर लिया है, फिर भी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ए बराबर निकाल लेना है। इसको करेंगे 2/5 को, बच्चों 2/5 को 6 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 2 से जाएगा 3 मरतबे, तो ए कितना दिन में आ गया कट के 15 दिन में उसको जोत रहे हैं। और बी का जब निकालेंगे कितना है 1/3 भाग है, इसको करेंगे कितना दिन में कर रहा है 10 दिन में कर रहा है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी का आ जाएगा कितना 30 दिन में आ जाएगा, सॉरी 30 दिन में आ जाएगा, 10 × 30 हो जाएगा। अब कह रहा है दोनों मिलके उस टोटल काम का 4/5 भाग कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम करने के लिए आपको सबसे पहले यहां पर क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 30, 30 जैसे होगा तो यहां से इसका हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे, 15 × 30 इसका हो गया, इसका हो जाएगा 30 × 30। ए और बी मिलके दोनों काम को, ए और बी मिलके दोनों टोटल काम को 30 है, इसको ए और बी दो को एफिशिएंसी मिला दे, 2 × 1 = 3 हो जाएगा 3, लेकिन हमें 4/5 ही निकालना है उस टोटल काम का, 4/5 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 × 15 = 30 हो जाएगा, 4 × 2 = 8 आ जाएगा, ये हमारा 8 दिन में वो काम कर देगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, देखिए इसमें इसको आप नहीं समझ रहे हैं तो आप समझिए बेसिक आपका बहुत कमजोर है, आपको थोड़ा सा अपने आप पे मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत किस कहाँ पे करना है, अपने आप पे, मतलब शरीर पे नहीं करना है, उस चीज को जो हम आपको जो बात बता रहे हैं यहाँ पर उसको बार बार आपको प्रैक्टिस करना है, मेहनत वहां जगह करना है। जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं उसी पैटर्न को आप किसी स्टैंडर्ड बुक को ले लीजिए, वहां से आप बनाइए। स्टैंडर्ड बुक कहने का मतलब या तो आप किरण उतार उठा के कर दीजिए, या तो RS अग्रवाल का अंकगणित है उसको कर लीजिए, यहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाएगा और हर एक क्वेश्चन बन जाएगा इस पैटर्न पे, आप समझेंगे अच्छा से तो पूरा क्वेश्चन बनने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, वह 3 दिन तक काम करने के बाद काम छोड़कर चला जाता है, बी से इस काम को 34 दिन में पूरा करती है, तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए बच्चों, एक किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन वह 3 दिन काम कर रहा है, 3 दिन कम काम कम रहा है, इस तरह क्वेश्चन का आपको इस तरह से मान लीजिए, एक काम किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में 20 दिन काम कर रहा है, लेकिन ए उसी काम को कितना दिन तक काम करता है, 3 दिन तक काम कर रहा है, 3 दिन तक कौन काम किया, ए किया, कौन काम किया, ए, उसके बाद छोड़कर चला गया, तथा बी जो है शेष काम को 34 दिन में पूरा कर दिया, कौन, बी शेष काम को 34 दिन में। देखिए कुछ काम ए कर लिया यहां से, कुछ काम बी कर लिया, टोटल काम कर लिया, और ए शुरू में कितना में टोटल काम कर रहा था, 20 दिन में कर रहा था, तो टोटल काम इक्वल टू टोटल काम हो गया, तो हमको यहाँ से एफिशिएंसी मिल जाएगा। अब 20 में से अगर 3 जाएगा तो इधर आएगा ए वाला पार्ट, आएंगे ए 20 3 अब बराबर 34 बी हो जाएगा यहाँ पर, डोंट गेट बी कंफ्यूज्ड। और यहां पर घटाएंगे तो ए गुना 17 हो जाएगा बराबर 34 गुना बी हो जाएगा
अब इफिशियंसी का रेशियो ले लेंगे, ए अपॉन बी हो जाएगा 34/17, कितना हो जाएगा ये बराबर 2/1, और ये जो आपका आया ये इफिशियंसी का रेशियो आ गया। अब इफिशियंसी का रेशियो जैसे आ गया, आपको किसी एक में आपका इसका वैल्यू पुट कर देना है, या तो इस साइड पुट कर लीजिए या तो इस साइड पुट कर लीजिए, लेकिन मैं आपको कहूंगा जिस साइड आपको आसान हो उसी साइड काम कीजिए। अब देखिए इस साइड हमको आसान लग रहा है, यहाँ एक एफिशिएंसी पुट करेंगे कितना है 2 है, यहाँ पर पुट करेंगे क्या 2 × 20, तो टोटल वर्क कितना आ गया 40, टोटल वर्क हमको कितना आ गया 40 आ गया, और पूछा क्या है दोनों मिलकर बताए कितने दिन में काम करेगा, तो दोनों की एफिशिएंसी बचे कितना है 2 है एक का, बी है एक का, बी का एक है, बी का एक है एक का 2 है, तो टोटल एफिशिएंसी दोनों को मिला के कितना आप बोलेंगे 3 बोलेंगे ना, टोटल में से 3 हो गया, लेकिन टोटल वर्क हमको कितना आ गया है 40 आ गया है। तो नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, टोटल वर्क में टोटल एफिशिएंसी से भाग करना पड़ेगा, और यही आपका डेज आ जाएगा निकल के। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, समझे बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उसे 20 दिन में कर सकते हैं, तो सी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये भी अगला टाइप का क्वेश्चन आपके साथ आ गया। देखिए इस टाइप इस वाले फर्स्ट लेक्चर में ही हमने सारा का सारा टाइप कवर कर लिया है, और उसके बाद जो भी लेक्चर आएगा जो भी आएगा वो सब इसी में से इधर इधर घूमता हुआ कंसेप्ट बेस के आधारित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को आप इतना अच्छा से देख लीजिए ताकि आगे जाकर आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़े, और इस वीडियो को देखने के बाद इस सीट सेट में जितने भी क्वेश्चन है उसको कम से कम आप 3 बार लगाएंगे, कितने बार 3 बार, इसको उंगली पर गिनेगा 1 2 3, जब 3 बार हो जाएगा उसके बाद किसी एक बुक को आप जो फॉलो करते होंगे उस बुक को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन इसी लेक्चर के बाद आपको टाइम एंड वर्क का टोटल बन जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ बैगेज बेस पर क्वेश्चन आएगा उसको आप छोड़ दीजिएगा, उसके आधारित बेस पर अगला जो वीडियो आएगा उस अगले नेक्स्ट वीडियो में आप ले लेंगे उसको भी क्लियर कर देंगे, और अल्टरनेट डेज पे भी बेस आएगा, नंबर ऑफ डेज नंबर ऑफ वेगेज पे आएगा, अल्टरनेट पे आएगा, और उसके बाद कुछ छोड़ के जाता है कुछ आ जाता है फिर जाता है फिर आ जाता है, उसके बेस पे भी हम क्वेश्चन ले लेंगे, आपको चिंता करने की बात नहीं, हर एक टाइप को कंप्लीट करवाएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर जब आप करेंगे क्या कर रहे हैं, ए और बी मिलकर कितना दिन में कर रहे हैं, बी 10 दिन में कर रहा है, बी और सी कितना दिन में कर रहे हैं 15 दिन में कर रहा है, सी और ए कितना दिन में कर रहा है 20 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले हमने आपको बोला कि सबसे पहले कुछ नहीं करो बच्चे, टोटल एलसीएम लो, एलसीएम जब लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और यही तो हमारा टोटल वर्क हो जाता है, टोटल वर्क कितना हो यही हो जाता है, एलसीएम ही होता है। तो यहां से जब एलसीएम इसको 60 से भाग 10 से 60 में भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 20 को 60 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, ये हमारा क्या है इफिशियंसी है, ये भी लिखना पड़ेगा क्या बच्चे, ये भी लिखना पड़ेगा, तो गलत बात है, ये हमारा कितना है इफिशियंसी है, इसीलिए हम इसको डिनोट करवा दे रहे हैं, ये इफिशियंसी आ गया। अब देखिए जब इसको देखिए इसको हम ऐड करते हैं, ऐड करेंगे इफिशियंसी को, बात को ध्यान रखना, अब इधर से जब ऐड करेंगे एक बार ए यहां से काउंट होगा, एक बार यहां से ए काउंट होगा, एक बार ये मतलब 2 बार यहां से बी, एक बार यहां से बी, एक बार 2 बार हो गया, सी देखिए यहां से एक बार, यहां से एक बार, 3 2 बार हो गया, मतलब 2 हम कॉमन कर सकते हैं क्योंकि सब कुछ 2 बार है, सब का सब 2 बार है, और इधर बराबर करके आपको ऐड करना है इफिशियंसी को, 6 4 10 3 13 हो गया, और अब यहाँ पर इक्वेशन आप बना सकते हैं क्योंकि आप इफिशियंसी के साथ काम कर रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ डे के साथ काम करेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगा, इसलिए नंबर ऑफ डे को ध्यान में रखना है, इफिशियंसी के साथ काम करना है। यहाँ से इक्वेशन इक्वेट करा लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा 13/2 हो जाएगा। अब हमें पूछा है और किसी का भी आप इंडिविजुअल पर्टिकुलर इफिशियंसी निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर सी का पूछा है ना, तो आप बताइए कि ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना है 6 है, तो यहाँ इसमें से ए प्लस बी का देख के इसमें से घटा देंगे टोटल, तो आपका आ जाएगा कितना, आपका ए प्लस बी का 6 है एफिशिएंसी, तो यहां इसमें से पुट कर देंगे इसमें, तो आपको आ जाएगा सी का एफिशिएंसी, तो सी बराबर आप क्या लिखेंगे 13/2, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना 6 था,
और या करके आप लिख सकते हैं सी बराबर 13/2 - 6 बराबर 1/2। तो सी की एफिशिएंसी कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब जैसे 1/2 सी की एफिशिएंसी आ गया, नोट कीजिए ध्यान से देखिए, अब इसको नीचे करेंगे फिर कट जाएगा। अब हम पता चल गया कि सी की एफिशिएंसी कितना है, 1/2। कितना है सी का एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी कितना है, 1/2। अब हमें आप बताइए ए प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, जिसमें सी का डे आधा है, तो बी का कितना, ए का कितना हो जाएगा, ए का आधा हो जाएगा सॉरी। और आप बताइए ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, 6 है, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, अढ़ाई है। अगर इसका अढ़ाई है तो बी का कितना हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा तो घट जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। अब पूछा है नंबर ऑफ डेज किसी को भी निकालने का, ए और बी से किसी का भी पूछ दे तो आप आराम से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब बोलेंगे यस सर निकाल सकते हैं, कैसे बच्चे, टोटल नंबर, टोटल वर्क में नंबर ऑफ, सॉरी टोटल, टोटल वर्क में एफिशिएंसी भाग देंगे नंबर ऑफ टोटल डेज आ जाएगा, तो ऐसा निकाल सकते हैं। यहाँ हमें पूछा है सी का, तो सी का आपको टोटल वर्क कितना, 60 है, 60 में 1/2 से एफिशिएंसी भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 120 डेज। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा मिल गया भैया, समझ गए बात। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा आ रहा है। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में, सी और मिलकर 20 दिन में पूरा कर, तीनों ए बी सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में। देखिए क्वेश्चन को हम होमवर्क के लिए छोड़ते हैं और आंसर बताने की कोशिश करते हैं। 12, 15, 20, 12 × 5, 15 × 4, 20, 3, 5, 4, 9, 3, 12, 6, 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 6
बी है, इसका ऑप्शन नंबर बी है, इसका 10 होगा। तो तीनों मिलके इसको होमवर्क के लिए आपको छोड़ रहे हैं, इसको आपको खुद से बनाना है। जब तक इस क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे तब तक अगला वाला क्वेश्चन आपको नहीं देखना है, ये आपकी होमवर्क के लिए जिम्मेदारी रहा। बेईमानी नहीं करना है, चीटिंग नहीं करना है किसी भी तरह का। चीटिंग कीजिएगा तो आप खुद से कीजिएगा, नहीं पेरेंट्स से कीजिएगा, नहीं टीचर से कीजिएगा। सिर्फ आप चीटिंग कर रहे हैं, किससे? खुद से कर रहे हैं। आप ही को दिक्कत होगा आगे जाके लाइफ में, नौकरी नहीं मिलेगी, बेरोजगारी छाया रहेगा, तो आसपास के भाई और बहन सबको देखते होंगे किस तरह से बेचैन रहते हैं। पैसा कमाना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर जीवन में जीना है तो पैसा आपको नीड चाहिए चाहिए, हर एक चीज के लिए पैसा चाहिए। आप यहाँ से निकलेंगे घर से बाहर, पैसा, फिर बाहर निकलेंगे पैसा, पैसा, कुछ भी खाना पीना खाइए पिए पहनिए ओढ़िए लिखिए चाहे घूमिए कहीं भी, पैसा का जरूरत। पैसा का एक ही सोर्स है, या तो आप गवर्नमेंट जॉब लीजिए या तो कोई भी बिजनेस कीजिए। और ये बिजनेस सबके बस की बात नहीं, क्योंकि उतना पैसा सबके पास नहीं रहते हैं। जैसे हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आए, तो बिजनेस करना असंभव। संभव करने के लिए आपको पहले गवर्नमेंट जॉब लेना पड़ेगा, समझे? चलिए इस क्वेश्चन को देखना। ए और बी मिलकर एक कार्य को 72 दिन में कर सकता है, बी सी 120 दिन में, ए सी 90 दिन में। ए और बी सी ए बी सी मिलकर काम को करे तो 3 दिन में कितना काम कर देंगे? देखिए सेम क्वेश्चन, कोई भी चेंजिंग नहीं, सिर्फ लास्ट में लगा दिया 3 दिन में वो कितना काम कर सकेंगे ए और बी सी, बस इतना चेंजिंग कर दिया। तो इससे आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन में एक रत्ती रत्ती भर नहीं घबराना है। 3 दिन के, 4 दिन के, 5 दिन करके छोड़ दे, उसके बाद भी आ जाए, कोई भी परेशानी नहीं। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे हम आपके साथ करवाएंगे और आप भी उस चीज को सीख लेंगे। चलिए खैर इसको आप पढ़िए और थोड़ा सा कोशिश कीजिए, तो थोड़ा हम पढ़ लिए क्वेश्चन। चलो देखिए यहां ए और बी मिलकर कितना दिन में कर रहे हैं? 72 दिन में कर रहा है। बी और सी कितना दिन में कर रहा है? 120 दिन में कर रहा है। और ए और सी कितना दिन में कर रहा है? 90 दिन में कर रहा है। अब जब इसको एलसीएम लेंगे, अब सारे के सारे एलसीएम लेंगे तो आपको क्या आने वाला है? 360। और एलसीएम जैसे लिए तो आपको पता चल गया कि यही हमारा क्या है, टोटल वर्क। क्या है? टोटल वर्क आपको पता चल गया। अब यहां से 72 पंचे कितना होता है? 360। 120 तिया कितना होता है? 360। 90 चौका कितना होता है? 160।
और ये 5 3 4 आप देख रहे हैं, इसी को हम इफिशियंसी कहते हैं। बार बार आपको ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, इसको नहीं भूलना है, 5 3 4 इफिशियंसी है। अब तीनों को हम जब इसको ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और इस साइड आपको ऐड करना है इफिशियंसी को, 5 3 8 4 12। यहां से ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आ गया कितना, जब इसको आप काटेंगे तब अब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 6 आ गया। तो हमें निकालना है सी का वैल्यू, सी यहां से देखिए, देखिए ए प्लस बी कितना है, इफिशियंसी 5 है ना, तो सी का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बोलिए क्यों नहीं आएगा, यदि दोनों का इफिशियंसी कितना है 5, इसका 1 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि टोटल तो हमारे पास 6 ही है ना दोस्त, टोटल 6 है, ए और बी करें हम 5 हैं, तो सी कहेगा 1 है। अब जैसे सी का आपको 1 मिल गया, तो 1 आप नहीं बता सकते हैं, ए और सी का दोनों को मिलकर 4 था, तो ये इसका 3 हो जाएगा। अब जैसे ए का 3 मिल गया, तो आप बी का ये बता सकते हैं, बी को जब इसका 3 है और ए और बी को मिलकर 5 है, तो इसका आप 2 नहीं बता सकते हैं। अब बोलेंगे यस सर बता सकते हैं, तो आप यहाँ से देख पा रहे क्या, ए की एफिशिएंसी कितना आ गया 3, बी का कितना आ गया 2, सी का कितना आ गया 1। अब पूछा है तीनों मिलके, ए बी सी तीनों मिलके 3 दिन में कितना काम करेंगे। देखो ये एफिशिएंसी हम आपको इसलिए निकाल के दिखा दिए ताकि कोई भी काम, एक इंडिविजुअल पूछेगा ए बी सी का अलग अलग, तो आपको यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तीनों को फाइंड आउट करने की अलग अलग जरूरत नहीं था, क्योंकि तो पूछा है तीनों मिलके वे 3 दिन में कितना काम करेंगे, कर देंगे। तो 3 दिन में, एक दिन में ए बी सी का कितना है 3 काम, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 18 काम कर देगा, वो 18 काम कर देगा। एक दिन में ए बी सी 6 काम कर रहा है यहाँ से, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, तीनों मिलके 18 काम कर देगा। तो 18 काम टोटल वर्क का कितना भाग है, अब 18/360 है, तो 18/360 करेंगे, यही पूछा है ना, 3 दिन में वो काम का कितना कर देंगे, तो आपको क्या करना है, 18 टोटल काम करना है 3 दिन में, तो 18/360 करना है, मतलब 18/टोटल वर्क करना है। इतना हम ध्यान से बता रहे हैं, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। तो ये आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1/20 आ जाएगा, इतना भाग वो काम कंप्लीट कर देंगे, और यही आपका हो जाएगा आंसर, आंसर नंबर सी। समझे बात, अगर पूछता एक उस काम को एक कितना दिन में करेगा, तो टोटल वर्क 360 है और इफिशियंसी इसका कितना है 3 है, 3 से भाग कर देते हैं, तो इसका एक का नंबर ऑफ वर्क, नंबर ऑफ डेज आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए किसी काम को 1/2 भाग को 5 दिन में, बी उसी काम को 3/5 भाग को 9 दिन में, सी उसी काम को इतना दिन में पूरा कर सकते हैं, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। वो मिलके बनाए हम इस क्वेश्चन को, देखो ए कितना दिन में 1/2 भाग को कितना दिन में, हमने आपको कहा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, जहां जहां भाग भाग वाला आएगा वहां वहां आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ 5 से भाग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10/1 आ जाएगा, बी का फिर 3 3 9, 3 5 15 आ जाएगा। देखिए 15 कैसे आएगा, एक बार हम आपको बता देंगे, बार बार नहीं बताएंगे। जैसे वहां पर लिखा है 3/5 भाग बी का कितना दिन में करा है, 9 दिन में, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इसको कटाई ऊपर से 3 3 आ जाएगा, फिर 1/5 आपको बच रहा है, ये 3 बच रहा है, तो फिर ये जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू आएगा 15। तो ये जो 1 आपका है ना, ये टोटल वर्क हो जाता है, किसका, बी का, वो पूरा काम होता है, 1 मतलब पूरा काम हो गया, पहले 3/5 काम था, उसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के क्या करते, पूरा काम करवा दिए 15 दिन में करवा दिए, लेकिन 3/5 काम 9 दिन में कर रहा था, तो वो पूरा काम भी उसको 15 दिन में करेगा, यही बात हम यहाँ पर लिखे हैं। उसी तरीका से सी 2/3 भाग को 8 दिन में काम कर रहा है, यहां से 2 चक्का 4 4 3 12, तो 12 दिन में काम कर लेगा। अब पूछा तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो तीनों मिलके करने से पहले आपको एलसीएम लेना है तीनों का, 10 15 12 का एलसीएम हो जाएगा 60, यही आपका क्या होगा, टोटल वर्क। इसका 6 दिन में इफिशियंसी, एक दिन का इफिशियंसी 6 आ गया, इसका 4 आ गया, इसका 5 आ गया, तीनों का इफिशियंसी जोड़ेंगे तो कितना, 6 4 10 5 15 आ गया तीनों, और टोटल इफिशियंसी इतना आ गया कितना,
15 आ गया। तो नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए टोटल वर्क 60/15 आप कटेंगे तो 4 दिन आ जाएगा, और ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहीं भी दिक्कत आए तो मेरे को बताइएगा, आपको हम सही से समझाएंगे दोबारा। देखिए इस क्वेश्चन का आप बनाइए, इस क्वेश्चन में दिया गया है गंगा एक घंटे में 32 रसगुल्ले खा सकती है, अब रसगुल्ला भी खाना पड़ रहा है गंगा को, देख तू। गंगा एक घंटे में 32 रसगुल्ले खा सकती है, उसकी बहन सरस्वती को इतने ही रसगुल्ले खाने में 3 घंटे लगते हैं, ये दोनों मिलकर 32 रसगुल्ले खाने में कितना समय लेगी? अब देखिए जी फोर क्या, गंगा एक घंटे में कितना रसगुल्ला, 32 रसगुल्ला, ठीक है। और सरस्वती एक घंटे में 3 घंटे में वो कितना रसगुल्ला खा रही है, 32 रसगुल्ला। देखिए गंगा जो एक घंटे में 32 रसगुल्ला खा रही है और सरस्वती 3 घंटे में 32 रसगुल्ला खा रही है, तो बोल रहे 32 दोनों मिला के हमें आप बताइए कि 32 रसगुल्ला खाने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो आप हमें बताएंगे और यहां से जब आप 32 को आप साइड कर दीजिए, ठीक। अब एक घंटे में तीनों कैल्शियम लेंगे तो 3 आ जाएगा, तो इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप बताइए 3 काम को करने में इसको कितना टाइम लग रहा है, 3 काम टोटल वर्क हमारे यहाँ 3 आ गया, इसको करने में कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, 3 × 1 = 4। लेकिन आप देखिए यहाँ पर हमें क्या कहते हैं, अगर रसगुल्ला हमें 32 नहीं रहता, अगर 3 ही रसगुल्ला रहता इसको खाने में कितना टाइम लग जाता, 3/4 घंटा, 3/4 घंटा लग जाता है। लेकिन कितने रसगुल्ला, 3 रसगुल्ला को, और एक रसगुल्ला को खाने में हमको और 32 रसगुल्ला खाना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इससे घंटा में सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 32 अब देखिए 3 गंगा कितने एक घंटे में 3 रसगुल्ला, सरस्वती 3 घंटे में कितना, 3 घंटे में कितना रसगुल्ला, 32 रसगुल्ला, दोनों का सेम है। और यहाँ पे हमें पूछा है दोनों मिल के 32 रसगुल्ले खाने में कितना समय लगेगा। अगर एक बात बताइए 32 बट्टे कितना कर रहे, 1/1 + 32/1/3 इतना कर दे तो कोई दिक्कत है क्या? अब 3 × 1 = 4 हो गया, 4 हो गया, 32 रसगुल्ला खाने में कितना टाइम लगेगा, देखिए इफिशियंसी हमारा आ गया, आपको देखना पड़ेगा आ गया कैसे आ गया, मतलब यहाँ पर टोटल वर्क कितना था, 3 था, तो यहाँ से जैसे आप करेंगे तो 3 का वैल्यू कितना है, 32/3 हो गया, ठीक, इतना हो गया। लेकिन 3 और 4 मिलकर कितना दिन में काम कर रहे हैं, 1/4 चल किया और 60 सेकेंड, 5, 32 कितना हो गया,
घंटे में बदस्तूर लगा रहे हैं। आहा, तो संतरा अच्छा है। अब यहाँ पर देखिए, एक घंटे में इसको हम इस तरीका से बता दे रहे हैं। देखो, एक मिनट हमको साथ टाइम दीजिए। एक घंटे में 32 रुपये खा रहा है कौन? गंगा। 3 घंटे में 32 रुपये खा रहा है कौन? सरस्वती खा रही है। लेकिन दोनों मिला के 32 रसगुल्ला खाने में कितना समय लगेगा? यदि हम इसको बोल दे कि तुम भी अगर 3 घंटे के बदला 1 घंटे में खाना चाहो तो कितना रसगुल्ला खाएगी? 1 घंटे में खाएगी तो कितना रसगुल्ला खाएगी? तो बोलेंगे भैया हम 32 बत्तीस 3 रसगुल्ला खा लेंगे। और उसको कन्वर्ट कर लिए इसमें अगर घी को, गंगा को हम कहें कि अगर तुमको 1 रसगुल्ला कितने घंटे में खाएगी, तो गंगा बोल रही है हम 1/32 घंटे में खा लेंगे 1 रसगुल्ला। और सरस्वती बोल रहे हैं 1 रसगुल्ला 32/3/32 घंटे में खा लेंगे। अब इसका आपको एलसीएम ले लें, आप आवर आ गया, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 32 * 96, और यहां से आपको 32। अब यहां से ऊपर वाला का आपको एलसीएम लेना होता है जब भी बट्टा में आ जाए। अब यहां से आपको क्वेश्चन देखिए, हम समझा देते हैं। क्वेश्चन ये था यहां से कि गंगा जो है, गंगा 1 घंटा में कितना रसगुल्ला? 32 रसगुल्ला। और सरस्वती जो है 3 घंटा में कितना रसगुल्ला? 32 रसगुल्ला। ये भी इतना कह रहे हैं। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमें तुम बताओ 1 रसगुल्ला खाने में कितना टाइम लगेगा? तो कहा हमें 1 रसगुल्ला खाने में कितना टाइम लगेगा? 3/32, 32 घंटा लगेगा। और गंगा कहा कि हमें कितना टाइम लगेगा? 1/32 घंटा लगेगा। अब घंटा में आ गया, ये कन्वर्ट कन्वर्ट हो गया घंटा में। यहाँ पर नहीं समझे क्या आप? 1 घंटा में ये 32 रसगुल्ला खा रहे हैं तो 1 रसगुल्ला खाने में कितना टाइम लेंगे? 1/32 घंटा टाइम लेंगे। ऐसे भी नहीं समझे। यदि आप 10 रसगुल्ला खाने में 10 मिनट ले रहे हैं तो 1 रसगुल्ला खाने में 1 मिनट लेंगे। कैसे किया आप? 10 रसगुल्ला खान 10 रस, इधर रसगुल्ला ठीक, या इधर मिनट है। 10 मिनट में 10 रसगुल्ला, हमने बोला 1 रसगुल्ला कितने देर में खाएंगे, तो ये वाला पार्ट को इधर से हम भाग कर दिए, तभी तो ये एक एक आ गया। इसी तरीका से 1 रसगुल्ला का हमने निकालेंगे तो यहाँ से भाग हो गया है, इसीलिए 1/32 हो गया है। सेम प्रोसेस इसमें भी 32 को भाग कर दिए हैं तो 1 रसगुल्ला इतना देर में आ गया। अब यहाँ पर सेम प्रोसेस आपको एलसीएम लेना है। इस केस में, बट्टा वाला केस में, सिर्फ ऊपर वाला को एलसीएम लिया जाता है, 3 × 1 एलसीएम 3 हो जाएगा। यहाँ से 1 आएगा तो यहाँ से 32 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से 32 * 96, सॉरी 1 से 1 * 3 32 * 96, फिर 3 से 3 = 1, यहाँ पर 32, टोटल इफिशंसी आ गया। अब टोटल वर्क आएगा कितना, जोड़ दीजिए, 6 * 2 = 8, 9 * 3 = 12, 128। तो 3/128, ये हमारा क्या आ गया? घंटा। हमें पूछा है कि इसमें मिनट में, तो मिनट करने के लिए आपको भाग करना पड़ेगा 60 से। क्यों सर? कर दिया बार से 32, तो यहां से हमको आ गया 45/32। और देख रहे, 45 मिनट में आपको 32 रसगुल्ला खा लेंगे। तो 32 का ही पूछा था। एक ऐसे भी आपको 1 रसगुल्ला खाने में 45/32 घंटा लग रहा है, तो 32 रसगुल्ला खाने में यहाँ 32 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 32 32 कट जाएगा, तो ये 45 रसगुल्ला 45 मिनट आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे? अब इसको पढ़िए। एक काम 10 पुरुष को एक दल द्वारा 12 दिनों में संपन्न किया जाता है, वही काम 10 स्त्रियों द्वारा एक दल को 6 दिनों में पूरा किया जाता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो वही कितने दिन में काम करें? देखिए, ये नया टाइप, इसमें नया टाइप का ये क्वेश्चन है। इसको करने के लिए आपको M1D1H1 वाला फार्मूला आपको होना चाहिए। M1D1 वाला H1 वाला फार्मूला क्या होता है? आप लिखेंगे M1D1 H1 = M2 × D2 × H2 / W1/W2। देखिए, M से हो गया मेन,
बी फोर डेज, एस फोर आवर, एम फोर मेन, ये भी मेन मेन डेट थ्री से चल रहा है, लेकिन ये अलग मेन है, यहाँ अलग मेन हो जाएगा, और W का मतलब वर्क हो जाता है, काम। इसको आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए अच्छा से, इसका बहुत यूज होगा। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, अब हम इसको बताते हैं। देखिए अब 10 पुरुष है तो 10 मेन गुना कितने दिन में, 12 दिन में, बराबर वही स्त्री है W कितना है, 10 स्त्री है तो 10 से गुना करिए, फिर कितने दिन में, 6 दिन में, अब यहाँ से काटेंगे 6 दुनी 12, 10 एक 10, तो M अपॉन W जब करेंगे ये बड़ा 2 इधर आ जाएगा 1/2, ये आज ये जो आपका आ रहा है सामने में, ये जो निकल के आएगा ये इफिशेंसी का रेशियो आता है। फिर वही बात, इफिशियंसी या तो इसमें किसी एक साइड पुट कर दीजिए, इसमें या तो इस साइड पुट कर दीजिए कोमेन का इफिशियंसी, तो टोटल वर्क आपको निकल जाएगा। हम यहाँ पर करते हैं मेन में पुट, तो मेन का टोटल वर्क कितना, 10m गुना 12, तो इफिशियंसी कितना है, मेन का 1 है तो 10 गुना 1m के जगह पर गुना 12, तो टोटल 120 टोटल वर्क आ गया, कितना 120 आ गया, दोनों मिल के कितना दिन में करेगा, तो टोटल वर्क यदि आप कितना है 120, तो इफिशियंसी दोनों का कितना है, एक दिन का 3 है तो 3 से भाग करेंगे तो 40 दिन में वो काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, यहां पर आपको 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि 40 है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़िए आप फटाफट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहे, ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी उसे 3 घंटे में, तथा ए और सी उस 2 घंटे में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। तो सबसे पहले इस काम को आपको करने के लिए ए 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी 3 घंटे में, सी और ए कितना 2 घंटे में, तो एलसीएम लीजिए 4 3 2 का, देखिए कैसे करना है इसको, इसको ए कितने घंटे में कर रहा है, ए कितने दिन में कर रहे हैं, 4 घंटे में, बी कितने दिन में कर रहा है, बी और सी कर रहा है, बी और सी कितने दिन में, 3 में, और ए और सी कितने दिन में कर रहा है, 2 घंटे में। सबसे पहले काम, सबसे पहला काम एलसीएम लेना ताकि इफिशियंसी निकल जाए, 4 3 2 का एलसीएम कितना, 12, यहाँ से इफिशियंसी 3, यहाँ से 4, अब ये नहीं बताएंगे 6। अब आप बताइए ए और सी दोनों मिला के इफिशियंसी कितना है, 6 है, और ए अकेला क्या इफिशियंसी कितना है, 3 है, यदि इसका 3 है तो इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिला के तो 6 था, एफिशिएंसी कितना था, 6 था, दोनों मिला के इसमें कितना, 6 था, ए अकेला 3 है तो ए अकेला के 3 हो जाएगा, तो सी अकेला कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 3 6। अब बोलेंगे यदि सर 3 सी का है और ए और बी और सी का 4 है तो बी का कितना होगा, 1 होगा ना, हम बोलेंगे यस सर, बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, बी की एफिशिएंसी कितना है, 1 है, टोटल वर्क कितना है, 12 है, 12 में भाग करेंगे 1 से कितना हो जाएगा, तो 12 दिन हो जाएगा, यही तो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 12 आवर है, आवर में चलेंगे तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं, यदि ए बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकता है तथा सी अकेले उस 50 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर पाएगा। बच्चे देखो ए उतने समय में कर सकता है, मान लीजिए ए यहाँ है और बी, टाइम यहाँ पर लिख लीजिए, 1 दिन में कर रहा है, बी और सी उसी काम को उतने समय में कार्य कर रहा है, यदि आपको इफिशियंसी टाइम का अनुपात 1:1 है तो इफिशियंसी का भी अनुपात क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाता है,
यहाँ एक है तो यहाँ को पता नहीं चलेगा। और ए और बी इस कार्य को 10 दिन में करते हैं, ए और बी दोनों मिलके उस काम को 10 दिन में कर रहा है और सी अकेला उस काम को 50 दिन में कर रहा है, सी अकेला उस काम को 50 दिन में कर रहा है। सबसे पहला काम आप दोनों का एफिशिएंसी लेना, सॉरी एलसीएम लेना, एलसीएम लेंगे तो 50 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 50, तो इसका एफिशिएंसी 5 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। अब आप एक चीज बताइए, टोटल एफिशिएंसी हमारा कितना आ गया 6 आ गया, कितना आ गया 6 आ गया, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमारा एफिशिएंसी टोटल कितना है 2 है, तो 2 का वैल्यू कितना 6, तो 1 का वैल्यू कितना 3, इसका मतलब हो गया एक का एफिशिएंसी 3 हो गया और दोनों की एफिशिएंसी कितना है 3 है, तभी तो 3 3 6 हो गया। और उस तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। अब एक बात बताइए, सी का एफिशिएंसी यहां से क्लियरली लिखा गया है कि हमारा 1 है भैया, सी का कितना है 1 है, सी का कितना है 1 है, तो बी का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि ए बी और सी इसमें मौजूद था। तो अब बी का पूछा है, बी का एफिशिएंसी हमको मिल गया है 2, देखिए यहां पर हम लिख लेते हैं ए अनुपात एफिशिएंसी लिखेंगे बी अनुपात सी, यदि इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है, एफिशिएंसी है, तो बी कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क हमारे पास कितना था 50 था, 50 था ना, तो 50 था टोटल वर्क, तो बी का एफिशिएंसी कितना है 2 है, तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 डेज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आप बोलेंगे यस सर, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझे बात। चलिए अगला क्वेश्चन, और आज का हम ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं, ए बी उसी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं, तो सी कितने दिन में करेगा। देखिए फटाफट इस क्वेश्चन का देख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में 30 मिनट में, और सी उस ए और बी उस कार्य को 50 मिनट में पूरा करते हैं, फिर वही बात एलसीएम तो लेना पड़ेगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 300, एलसीएम तो 10 हो जाएगा, अच्छे हो जाएगा, और ए और बी का एफिशिएंसी कितना 6, तो सी का एफिशिएंसी तीनों के एफिशिएंसी कितना 10, तो सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 4, और यहां से यहां तक देखो 6 है इसका एफिशिएंसी, और यहां से यहां इसका जब 6 हो जाएगा तो इसका तो 4 ही बचेगा ना, इसका तो 4 ही बचेगा ना, फिर 6 4 10 मिलके हमको 6 टोटल हो गया। पूछा है सी उस काम को कितना दिन में करेगा, तो सी का एफिशिएंसी 4 है, टोटल वर्क 300, तो 4 से भाग करेंगे तो 75 मिनट में उस काम को कर लेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्त इस वीडियो में इस क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं इस वीडियो में, इसके बाद कुछ बातें हम आपको बताना चाहेंगे, इससे बैच से रिलेटेड बात है। यदि हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर संपर्क कीजिए, दोनों कॉन्टैक्ट नंबर है, और प्ले स्टोर पर जाएंगे आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, एडू चेतना ऐप है, वहां पर डाउनलोड करने के बाद ये सारा आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां पर जो भी आपको उचित लग रहा है वहां पर कोर्स अपना एनरोल करवाइए और वहां पर अच्छे से आप देखिए। और आपको आपसे एक रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए, वीडियो का टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और इस चैनल पर नए हैं तो इसको तो जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। आप लोग लाइक्स और कमेंट सब्सक्राइब करते हैं तो ये हमारा एनर्जी का पैक है, मेट्रोकॉन्ड्रिया नहीं पावर हाउस ऑफ प्लांट क्या होता है, मेट्रोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस का घर, वही चीज है ये, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये जो क्या होता है ये हम लोग का पावर ऑफ हाउस है, माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में ये काम कर रहा है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।